हेलो फ्रेंड्स, तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और हर भारत नागरिक को देखना चाहिए जो भारत देश से प्यार करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी सैमसन में। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से आपके लिए इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारे भारत देश में आदिवासी महिलाओं का अहम योगदान किस प्रकार हो जा रहा है, होते जा रहा है, आदिवासियों की पहचान किस प्रकार से होती जा रही है पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। जिस प्रकार इससे पहले हमारा एक वीडियो देखा फेमिना मिस इंडिया रिया तिर्की का, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या आइकन बटन में ऊपर में आप क्लिक करके वह वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया रिया तिर्की जिस प्रकार से अपने देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने भारत का नाम रोशन किया, यानी कि झारखंड का खास करके नाम पूरे देश में रोशन किया, जिस झारखंड को आज लोग जानते नहीं थे उसे आज लोग जानने लग गए हैं। इससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी और कई हॉकी खिलाड़ी और तीरंदाजी में भी दीपिका जैसे कई खिलाड़ियों ने झारखंड का ही नहीं पूरे आदिवासी होने का गौरव प्राप्त किया है। आज हम बात करें विशेष रूप से किस प्रकार एक छोटे से शहर से उठ करके राष्ट्रपति पद तक पहुंचती है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गार्ड ऑफ ऑनर और देखने जा रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की विदाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है भारत की राष्ट्रपति भवन का अद्भुत नज़ारा जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू अपना पदभार ग्रहण करेंगी। The newly sworn in President of India, former President, राष्ट्रपति कोविंद, a day for ceremony and protocol, द्रौपदी मुर्मू को a day for transition, अपना स्थान दिखाते हुए और यहां से शुरू होता है द्रौपदी जी का राष्ट्रपति सो वी हैव कैमरा स्पेशली पुट हैपनिंग एंड ऑफ कोर्स सराउंडिंग्स एंड द विस्टास अराइवल चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, राजनाथ सिंह। यह काफिला प्रधानमंत्री और अन्य जितने भी गेस्ट हैं उनके हैं, खास करके यहाँ इस गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। प्रथम आदिवासी महिला ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, पदभार संभाला है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आगमन। देश की आदिवासी महिला को प्रथम नागरिक बनने तक का जो अवसर मिला है वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसकी 15वीं राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी आ गई हैं और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयारी चल रही है। And now the inspection of the guard of honor. अंतर सेना सुमन गार्ड, राष्ट्र सुलभ, स्वामी, चल।
भारतीयों को गर्व होना चाहिए। कभी भी राष्ट्रगान शुरू हो तो या तो खड़े हो जाएं और अपने सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। निरीक्षण के लिए जाते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारे भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, और कितना गर्व करता होगा यह हिंदुस्तान। करते हुए यहां उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति, as the supreme commander of the armed forces, the president of India, Srimati Draupadi Murmu, inspects her first guard of honor. After being wished by all here, यहाँ आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जा रही हैं और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी का विदाई समारोह यहाँ पर चल रहा है। उनकी वाइफ आ चुकी है, उनकी बेटी आ चुकी हैं फिलहाल, और पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ में उनका उनको विदाई समारोह अब दिया जाएगा। वर्तमान राष्ट्रपति द गार्ड कमांडेड टू स्टैंड एट अटेंशन, जिसे हम अंतिम विदाई कहा जा सकता है। उन्होंने देश की सेवा इतने सालों तक किया और राष्ट्रपति पद की गरिमा कोविंद जी बनाए रखे, और अब बारी है द्रौपदी मुर्मू जी की। Guard commander, the guard. अब कोविंद जी की अंतिम निरीक्षण समारोह, यानी कि इसको विदाई समारोह भी कहा जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति का विदाई और नए राष्ट्रपति का स्वागत द्रौपदी मुर्मू। भारत का निरीक्षण संपन्न। As the band picks up the march and the guard marches off, smiling faces. हंसते हुए सभी का स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, कितना भव्य नजारा है ये, जब देश का सर्वोच्च नागरिक for the former president मिल जाना और इस प्रकार गार्ड ऑफ ऑनर लेना the president, बहुत ही भव्य की बात है। यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, और अब राष्ट्रपति कोविंद जी का विदाई कितने भव्य रूप से हो रहा है। और अब से भारत की राजमाता या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहलाती हैं। पूरे राष्ट्रपति भवन का सुंदर नज़ारा, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और भारत के नागरिक अगर आप कहीं भी हैं, देश में विदेश में कहीं भी हैं, तो आपको सलाम है, क्योंकि आप अपने परिवार अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर
कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिलेगा, और नए आए हैं हमारे वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इस प्रकार से नई नई जानकारियाँ आपको मैं देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।